कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने शुरू की सत्या प्रेम की कथा। सेट पर से फर्स्ट लुक आया सामने। 2022 की ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया 2 फिल्म में नजर आ चुके कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जोड़ी फिर एक बार साथ आ रही है सत्या प्रेम की कथा में। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से ये फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम इस फिल्म के शूटिंग रिलेटेड आई खबर के बारे में जानकारी देंगे। समीर विध्वंस के डायरेक्शन में बनने जा रही इस फिल्म से कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी फिर से धूम मचाने के लिए तैयार है और दोनों ने इस नई लव स्टोरी बेस्ड फिल्म की शूटिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। बता दें कि सेट पर से दोनों के लुक्स की फोटो सामने आई है जिसमें कार्तिक आर्यन रेड प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक जींस में दिखाई दिए तो वहीं कियारा आडवाणी व्हाइट कुर्ता पैजामा में नजर आई और दोनों ही उनके इस लुक में काफ़ी जच रहे हैं। आपको बता दें कि सत्या प्रेम की कथा फिल्म का डायरेक्शन समीर विध्वंस करेंगे। साजिद नडियाडवाला और नमः पिक्चर्स ने टाइटल और कास्ट को कंफर्म किया है। इससे पहले इस फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा होगा ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ये टाइटल विवादों में आ गया था जिस वजह से अब इस फिल्म का नया सत्य प्रेम की कथा टाइटल रखा गया है। वैसे तो इस फिल्म के बारे में साल 2021 में ही पता चल गया था, पर इसे अभी कुछ महीनों पहले ही कियारा आडवाणी के जन्मदिन पर कंफर्म किया गया। वर्कफ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 2 में दिखाई दिए थे, अब वो कृति सैनन के साथ शहजादा फिल्म पर काम कर रहे हैं जो कि 10 फेब 2023 को रिलीज होगी। बता दें कि इससे पहले भी कार्तिक और कृति सैनन एक साथ फिल्म लुका छुपी में नजर आ चुके हैं। इस जोड़ी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया। बात कियारा आडवाणी की करें तो वो अभी रिलीज हुई फिल्म जुग जुग जियो में वरुण धवन, अनिल कपूर, नीतू कपूर के साथ दिखाई दी थी। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।